बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में और इसके महत्व के बारे में। पाप मोचनी एकादशी पर अपने घर में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, खास तौर से गीता के 11वें अध्याय का। इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा, आपके कर्म का जो भोग है वो घटना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास दो कारणों से रखा जाता है, एक वैज्ञानिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से। इसका मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से मन और आत्मा को स्वस्थ रखना है। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरह से मन और शरीर पर असर डालते हैं, जिसको ध्यान में रख करके अलग अलग तिथियों को और दिनों को उपवास का या व्रत का नियम बनाया गया है। विशेष तिथियों को या विशेष दिनों को जब आप व्रत उपवास रखते हैं तो इससे शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। अब ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है और एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स से जुड़ी हुई समस्या भी ठीक होती है और मन की जो बीमारियां हैं, मन के जो रोग हैं वो दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और प्रायश्चित के लिए किया जाता है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, पाप मोचनी एकादशी के व्रत से दूर हो जाती है। ये व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और सेहत के दृष्टिकोण से इस महीने में जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, अतः इस व्रत में ज्यादा से ज्यादा जल पीना चाहिए, वो बेहतर रहता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल को मनाई जा रही है। अब जानते हैं कि इस व्रत को, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, या तो निर्जल जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, या फल खाके और जल पी करके रखा जाता है। सामान्यतः निर्जल व्रत वही रखे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर जल पीकर उपवास रखना चाहिए और इस व्रत में दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर रात को जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा कि पाप मोचनी एकादशी पर केवल जल और फल ग्रहण करें और रात के समय जग करके भगवान विष्णु की या अपने गुरु की पूजा करें, अपने पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब मान लिया कि आप किसी कारण से, सेहत ठीक नहीं है, व्यस्तता बहुत है, कोई और कारण है, आप पाप मोचनी एकादशी का उपवास नहीं रख पाते, तो अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ करें, शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देव का या इष्ट देवी जो हैं या जो आपके गुरु हैं उनकी प्रार्थना करें। निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें तो आपको पाप मोचनी एकादशी के शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आज हमने बात की पाप मोचनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर अच्छा काम करने के बावजूद आपको अपयश मिल रहा हो, बदनामी मिल रही हो, तो क्या करेंगे। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें,
और इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करके कृपा की प्रार्थना करें। किसी भी तरह के अपयश से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे और सूर्य देव की कृपा का लाभ आपको शीघ्र होगा।